स्पाइसी नूडल्स चैलेंज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स पिलावल व्लॉग्स। तो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, शादी के बाद से अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पास के बेल आइकन को प्रेस करो। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ कोरियन स्पाइसी रेमन नूडल्स है। ब्लैक कलर में लिए क्योंकि रेड कलर की मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो गाइस, ये मैं किसके साथ कर रहा हूँ, मैं अपनी भाभी के साथ कर रहा हूँ, वन ओनली लारे भाभी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मेरी मैगी बन रही है, ये बनती है, फिर हम चैलेंज के लिए चढ़ते हैं। लेट्स गो, चढ़ते नहीं चलते हैं। अंदर डालते हैं इसके, फिर आपको दिखाते हैं। दोनों बराबर मैगी निकाल दी, अब हम इसके अंदर वाली सॉस डालते हैं। आपके सामने देखो, पूरी डालेंगे। वाह, मिक्स करते हैं अच्छे से, डालते हैं चिली फ्लेक्स। गाइस, हम इसमें ये डालते हैं चिली फ्लेक्स। चलो स्टार्ट। सबर 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 सबर। स्टार्ट है, देखते कौन जीतता है। अच्छी तो नहीं है, ऐसे ही ऐसा अच्छा नहीं है, बाकी मिर्चे भी नहीं है। बनाई भी तो अच्छी है। क्या अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ अच्छी है। इसमें नहीं अच्छी, थोड़ी सी मसाला थोड़ा है, रेड वाली में ज्यादा होता है। अच्छी नहीं है। गरम हो रही है, अपना मूड है। क्या हुआ मेरे मूड को? लाल भाभी जी हुए अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड किया बेटा? नहीं, टाइम नहीं है। इधर मिर्च लगी, खत्म। अच्छी नहीं थी, नहीं खा पाया, मतलब मिर्ची तो नहीं थी इसमें। अभी अभी पीन गया, साइज जो जितने उसको एक्स्ट्रा मिलेगी। अच्छा निकालो, हजार रुपये। अभी गाइस, हम इनको पैसे देते हैं, तो लेट्स गो। लारे भाभी जीत चुकी हैं और मैं हार चुका हूँ। अपने हार पर पैसे ली, ये देखो गाइस, 1000, 2000, 3000, 4000, ये पूरे 5000 रुपये ये दिए जाते हैं लारे भाभी को। देखिए आप जीत गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, अपना मुंह देख।
मैगी का चैनल तो मैं तो हार चुका हूँ। ये देखा है मेरी पूछ मैं तो गाइस हार चुका हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो हम कोई नेक्स्ट चैलेंज लाए तो प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पास के बेल आइकन को प्रेस करो। तो अगर कोई और चैलेंज आप बताओगे तो उसमें तो मैं ही जीतूँगा, ये हार जाएंगी। मैं तो टेस्ट अच्छा नहीं था जब ये जीत गई। अल्लाह हाफिज़।